नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीमेल आईडी का पासवर्ड चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हो तो उसको आपको रिकवर करना चाहते हो तो कैसे करते हैं, आप कैसे पता लगा कि हमारी जीमेल आईडी का पासवर्ड क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जीमेल पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपने मोबाइल में गूगल चालू करना है और गूगल पर सर्च करना है जीमेल पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, आप जीमेल पासवर्ड सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। सबसे ऊपर की जो वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज पासवर्ड। ठीक है, गूगल अकाउंट। दोस्तों चलिए इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो आपके सामने क्या ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड डालने का। ठीक है दोस्तों, हमारी जीमेल आईडी ये है और इसका हमको इस यहाँ पर पासवर्ड डालना है। दोस्तों इस यहाँ पर हम पासवर्ड डालने के बाद क्या होगा, एक नया ऑप्शन आएगा ये वाला, इस पर हमको नया पासवर्ड डालना है जो, और इस डालने के बाद यहाँ से हमारा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मेरी बात सुनिए, अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो फिर भी आप चेंज करना चाहते हो तो वो कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड, इस पर आप क्लिक कीजिए। दोस्तों आप जैसे ही इस फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड डालने का है। यहाँ पर पासवर्ड डालने का मतलब है कि आपने जो भी पासवर्ड डाला हो जीमेल आईडी में, जरूरी नहीं है कि अभी का क्या पासवर्ड है, कुछ मतलब नहीं है। आपने अपनी जीमेल आईडी में शुरू से स्टार्टिंग से अब तक कुछ भी पासवर्ड डाला हो, कोई भी पासवर्ड यहाँ पर आप डाल सकते हैं, उससे आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमको ये भी नहीं ध्यान कि हमने शुरू से अब तक कौन कौन से पासवर्ड डाले हैं, कुछ भी नहीं ध्यान दोस्तों, लेकिन एक बात है, वो जीमेल आईडी हमारे मोबाइल में लॉगिन है दोस्तों, फिर इस पर क्लिक कीजिए ट्राई अनदर वे पर। ठीक है दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में जीमेल आईडी लॉगिन है तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। ठीक है, डायरेक्टली आपको नया पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपकी जीमेल आईडी आपके मोबाइल में लॉगिन है इसलिए। तो चलिए मैं नया पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ। तो दोस्तों दोनों जगह पासवर्ड डालने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेव पासवर्ड, तो आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर लिख कर आ रहा है सक्सेसफुल। ठीक है दोस्तों, हमारे नया पासवर्ड डाल दिया है, यानी कि हमारे जीमेल आईडी का पासवर्ड चेंज हो चुका है। पहले था कुछ भी था हमको नहीं पता था, लेकिन अब हमारा पासवर्ड नया बन चुका है। ठीक है तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अपना जीमेल पासवर्ड चेंज करना सीख गए होंगे। अगर आप सीख गए हो तो वीडियो को लाइक करो और हाँ कमेंट करके जरूर बता दिया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल पर जाकर मेरी और भी वीडियो देख सकती हो। धन्यवाद।